घोसी के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम अलग अलग हिस्से में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में हम घोसी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम मतदाता इस उपचुनाव को कैसे देख रहा है और उसका क्या रुझान है। तो हम शुरू करते हैं आप ही से, हाँ, जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव के रूप में देख रहे हो, उसमें कोई विशेष बात तो नहीं दिख रही, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी नहीं, कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लिए? अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत मुद्दे हैं और उसके लिए तो ये चुनाव हो नहीं रहा, ये तो उपचुनाव है, इससे सरकार बनने बिगड़ने का तो कोई मामला है नहीं, ये एक सीट का मामला है, चुनाव हो रहा है, इसमें मुस्लिम समाज से कोई लेना देना बहुत नहीं है। इस चुनाव को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अभी तो साधारण चुनाव बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, अच्छी स्थिति में चल रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, आगे देखा जाएगा किधर जा रहा है। किसकी तरफ आपको लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा? अब जनता जिसके तरफ बैठा देगी उसकी तरफ बैठ जाएगा। दोनों उम्मीदवारों में आपको लगता है स्वीकारता ज़्यादा किसकी दिख रही है? अभी तो मैदान का रण सज रहा है, बिगुल वगैरह बज रहा है, दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी नतीजे पे शायद अभी हम नहीं पहुंच सकते, या ये कहना कि किधर लोग जा रहे हैं, ये तो शिशु काल अवस्था है ना चुनाव का, ये उपचुनाव का पर्चा वगैरह भरा गया है, वापसी हुआ है, अब रण सज रहा है, अब हम सारे लोग निकलेंगे, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे, फिर 10 दिन बाद पता चलेगा कि चुनाव किधर जा रहा है। 24 को लेकर कोई इससे मैसेज निकलेगा, संदेश निकलेगा? इससे क्या मैसेज निकलेगा, बहुमत की सरकार भाजपा की है, एक सीट हारने जीतने से न उनकी सरकार बन रही है न बिगड़ रही है, एक सीट का मामला है, समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का मामला है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की ही सीट थी जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, तो ये पार्टी का एक तरह से प्रतिष्ठा तो है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सीट हमको मिल जाए। क्या लगता है चाचा जी, क्या लग रहा, चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? अभी हम नहीं बता सकते हैं, अभी जिसे कहें उन्होंने सही कहा कि अभी राय नहीं कोई बना सकता, अभी थोड़ा समय बाद चीज़ें, हाँ, दस पंद्रह दिन के बाद है कोई डिसाइड करें। तो क्या लग रहा किधर जा रहा है चुनाव, किस दिशा में जा रहा है चुनाव? जनता ने मन बना लिया है, वो कोई दूसरे तरीके का उनके अंदर अब विचार भाव बदलना नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट जो हमने पहले भी कहा कि देश की जनता मोदी जी को और प्रदेश की जनता योगी जी को नेता मान चुकी है, और उन लोगों का ऐसा जनता के साथ व्यवहार भी रहा है, और देश और प्रदेश जिस तरीके से चल रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था जो अच्छी है, आम जनता को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उनको समय से मुहैया हो रही है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, इससे लोग काफ़ी लाभान्वित हैं। तो पार्टी पर वोट डालेंगे लोग? पार्टी के वजह प्रत्याशी महत्वपूर्ण? प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे, उपचुनाव किस दिशा में जा रहा, ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या लग रहा है आपको? जो हम लोग घूम रहे हैं, जो देखा जा रहा है, लोगों की बातों को सुना जा रहा है, तो ये एक सीधा संदेश दिखाई दे रहा है, आम पब्लिक तरफ से ये संदेश है कि अगर विधायक ही लड़ना था तो विधायक ही से इस्तीफा क्यों दिए, और दूसरी बात बहुत ज़बरदस्त ये मैसेज है, लोगों में गुस्सा भी है कि ये स्थिर नहीं है, बार बार इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, तो ऐसे आप वो भी, और तीसरा मैटर यहाँ जो सबसे बड़ा काम कर रहा है कि ये कभी भी इस क्षेत्र में नहीं रहे, विधायक होने के बाद भी कभी क्षेत्र में नहीं रहे, हमेशा आजमगढ़ पब्लिक के सुख में कम ही रहे, और लोगों को यह मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो किसी भी हालत में कभी भी खोजने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। चलो, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो प्रत्याशी हमारे बीच का है, हमारे सुख दुख में काम आता है, जो सहज सुलभ है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक सीट से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके 2024 के पहले इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि 8 सितंबर को जो भी नतीजा आएगा उससे एक परसेप्शन तो बनेगा ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, घोसी।